हम यहाँ वाटरलू से 3 घंटे दूर एक जगह है जिसका नाम है टोबरमरी, ब्रूस पेनिनसुला में है वो। हम वहाँ जा रहे हैं और ये मैं उसके लिए पैकिंग कर रही हूँ। हमने 3 दिन के लिए वहाँ जाना है और 2 रात स्टे करनी है। सो पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन, जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू मोर थिंग्स। आई एम मेकिंग सम पराठास। अभी हम हैनोवर पहुँचे हैं, हमारा फर्स्ट स्टॉप है। यहाँ से हम लेंगे कॉफ़ी और फिर हम बाकी का सफ़र करेंगे। We still have 2 hours left. जब तक सबने कॉफ़ी ली तब तक मैंने अब्रिश का डायपर चेंज कर लिया और आधे रास्ते में है आने जिद की कि उसने अपनी पुप्पो की कार में जाना है बाकी बच्चों के साथ। तो फिर हमें अहान को वहाँ आधे रास्ते में दूसरी कार में भेजना पड़ा और उसकी जगह पे अरूश हमारे साथ आ गई। We have officially entered Ontario के मरी में। टोबरमरी पहुंच के हमने अपनी कार पार्क की और हम कुछ सामान लेके गए हुए थे, सैंडविचेस, पास्ता और इस तरह की थोड़ी बहुत खाने की चीज़, वो हमने गाड़ी पार्क करके खुद खाया, थोड़ा बहुत बच्चों को खिलाया क्योंकि अभी हमने क्रूज़ पे जाना है और वो क्रूज़ ने 40 मिनट्स में हमें पहुंचाना है, 40 मिनट्स में हमें वापस लेके आना है। बाकी 2-3 घंटे हम वहाँ आइलैंड पे रहेंगे। अभी हमने यहाँ से अपनी क्रूज़ की टिकट्स ले रही हैं, ग्लास बॉटम तो फ्लावर पोर्ट से, और फिर हमने जाना है क्रूज़ की तरफ। Now we have to wait for our cruise, which will take us to Flower Port. Hi, ma'am. ये है ग्लास बॉटम बोट जो हमें फ्लावर पोर्ट लेके जाएगी। सब लोग लाइन में वेट कर रहे हैं अपने टाइम होने का, वाइल दिस गर्ल, दिस लेडी इज कंफर्मिंग द बुकिंग्स एंड कोविड स्क्रीनिंग क्वेश्चंस। ये वाली भी जो बोट है ये भी ब्लू हेरॉन क्रूजेस वाली, ये भी फ्लावर पोर्ट लेके जाती है, लेकिन हमने जो है ब्रूस एंकर क्रूजेस की ये वाली ग्लास बॉटम वाली बुक की है। आई थिंक नाउ दे आर गेटिंग द बोट रेडी व्हाइल वी वेट वेट वेट। बैठना है कल द बिग वन। अब इन्होंने हमें 2 शिप दिखानी है जो काफ़ी अरसा पहले यहाँ पे डूब के तबाह हो गई थी, मगर अभी भी वो पानी के नीचे बिल्कुल क्लियरली नज़र आती हैं। इस शिप को कोव आइलैंड के पास से एक रॉक ने हिट किया था जिसकी वजह से ये डूब गई थी। बाद में जब इसको हार्बर के पास लेके आए थे उन्होंने देखा कि ये रिपेयर के काबिल नहीं है तो उन्होंने दोबारा से इसको पानी में फेंक दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो बह के यहाँ बिग टब लाइट हाउस के करीब आ गई।
तो ये इस 5 फैंथम नेशनल मरीन पार्क का सबसे बड़ा शिपरैक है जो क्लियरली नज़र आते हैं। तो ये जो इर्द गिर्द का सराउंडिंग है, ये कनाडा का सबसे बड़ा अंडर वाटर पार्क है जिसका नाम 5 फैंथम नेशनल मरीन पार्क है। यहाँ समर में लोग डाइविंग करके मोर देन 20 शिपरैक्स जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकेंड बिग शिपरैक। ये दूसरा बड़ा शिपरैक है जो ग्लास बॉटम टूर पे दिखाते हैं वो, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसको लिटिल टॉप हार्बर पर आग लग गई थी और जिसकी वजह से उनको इसको पानी में छोड़ना पड़ा था और फिर हवा इसको बहते बहते यहाँ पर बिग टब हार्बर के करीब ले आई। तो ये हैं 2 बड़े शिपरैक, बाकी शिपरैक छोटे मोटे वो अंडर वाटर वो नज़र नहीं आते। ये रहा बिग टब लाइट हाउस और अब हम जा रहे हैं फ्लावर पॉट आइलैंड की तरफ, और बोट पर मास्क कंपलसरी है। और ये जो पानी जिसके अंदर राइट नाउ हम सेल कर रहे हैं, ये है जॉर्जियन बे। कहाँ पे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये तो बीच ही है, ये क्या है? और ये जो दूर नज़र आ रहे हैं वो भी आइलैंड ही हैं, लेकिन यूनेस्को की तरफ से वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ सिर्फ फ्लावर पॉट पे जा सकते हैं। Flower Pot Island is the only island in Fathom 5 on which you can disembark and hike its trails. The rest of the islands are in a protected nature preserve as part of the UNESCO World Biosphere. Acres has 4 kilometers of well-groomed hiking trails and 6 backcountry campsites, meaning no running water, no electricity, and no. तो हमने ग्लास बॉटम टूर में देखा बिग टब लाइट हाउस, बिग टब हार्बर पर 2 बड़े शिपरैक देखे हमने, और अब हम पहुंच गए हैं फ्लावर पॉट आइलैंड पर। आई होप कि आप लोगों को ये टूर पसंद आया होगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी बाकी की वीडियोस भी आपको मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।